So I think it is now 10:40. We should start. Dr. Sarita? Yes, ma'am. Yes, 10:40. Ma'am. Yeah, ma'am. Yeah, yeah. Dr. Okay. Sue will be getting connected. Be start. Okay. Thank you, yeah, ma'am. Please start. जैसा कि हमारी समन्वयक महोदय ने हरी झंडी दे दी है कार्यक्रम को शुरू करने की. नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता देवी आज के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. मिशन शक्ति जैसा कि जानते हैं माननीय योगी नाथ जी द्वारा चलाए गए अभियान माल को अपने सुरक्षा के लिए मजबूत होना आत्मनिर्भर होना है और इस समय रोज मतलब प्रतिदिन नए काम आयोजित हो रहे हैं. सोमवार को वेबिनार आयोजित हो रहा है, इस सोमवार भी एक मुख्य वेबिनार आयोजित हो रहा है जिसका विषय साइलेंट कंट्रीब्यूशन टू मूवमेंट है. सबसे पहले तो मैं अपने माननीय शंकर सर का धन्यवाद करूंगी कि आपके सहयोग से हमारा कार्यक्रम इतने अच्छे रूप से सुचारू ढंग से संचालित हो रहा है. तो आपका जो हमारा जो विषय है इसके बाद ये जो वेबिनार है इसका प्रारंभ हो रहा है. तो जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम कुलदीप प्ले करते हैं, तो मैं तकनीकी टीम से अनुरोध करूंगी कि कुलदीप प्ले करें. अनिशा मैम, कैन यू Thank you.
मनीषा मैम, आई थिंक आज नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा हमारे कार्यक्रम को स्मूथली चलने में समस्या कर रहा है, बट कोई ना। अब मैं जो है अपना जो हमारी कोऑर्डिनेटर महोदय है प्रोफेसर तुहिना वर्मा मैम, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ मैम स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण देने के लिए। मैम प्लीज आप कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण और स्वागत उद्बोधन। Yes, ma'am, you are audible. Okay, ma'am. Ma'am? Yes, yes. Thanks, Dr. Sarita. Dr. Ram Manohar Lohia अवध विश्वविद्यालय के आदरणीय हमारे कुलपति महोदय एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य मनोज दीक्षित सर, रविशंकर सिंह सर, सॉरी। आज के हमारे मुख्य वक्ता कैप्टन डॉक्टर राजश्री पांडे जी, प्रोफेसर नीलम पाठक मैम विश्वविद्यालय की DSW, विश्वविद्यालय के सभी डीन्स, विभाग अध्यक्ष, रजिस्ट्रार श्री उमानाथ सर, सभी सम्मानित शिक्षक एवं अतिथिगण, कर्मचारीगण तथा उपस्थित सभी छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर तुहिना वर्मा, कोऑर्डिनेटर ग्रेवेंस एंड वेलफेयर सेल की तरफ से आज इस मिशन शक्ति अभियान के तहत
हर सोमवार को होने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं अपने तथा विश्वविद्यालय की तरफ से आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर राजश्री पांडे जी का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाल करके आज के इस प्रोग्राम के लिए समय दिया, इसके लिए हम सभी लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज के कार्यक्रम में सभी अभिभावकों एवं छात्रों द्वारा महिला एवं बालिका सुरक्षा शपथ लिया जाएगा। तत्पश्चात आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर राजश्री पांडे जी द्वारा एनसीसी ए साइलेंट कंट्रीब्यूटर टू वुमेन एम्पावरमेंट विषय पर व्याख्यान दिया जाएगा, जिससे हम सभी बहुत लाभान्वित होंगे। देखिए, अगर महिलाएं एम्पावर्ड होंगी तो अपना देश भी एम्पावर्ड होगा, ये तो हम सभी अब जान गए हैं। आज मैडम पांडे हम सभी लोगों को वुमेन एम्पावरमेंट में एनसीसी की क्या भूमिका है इसके बारे में वो प्रकाश डालेंगी, हम लोग का ज्ञान वर्धन करेंगी। वैसे तो एनसीसी का फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, लेकिन हम सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को एनसीसी एक नए अंदाज के साथ बताना चाहते हैं, मतलब एक नया दृष्टिकोण, एक नए आइडिया के साथ बताना चाहते हैं। एन से ऐसा समझिए कि आप कोई भी गलत चीजों को ना कहिए, नो टू रॉन्ग थिंग्स, इस चीज को सीखिए, लर्न टू से नो टू रॉन्ग थिंग्स। सी से एक केयर टेकर भी बनिए, साथ ही साथ एक केयर गिवर का भी रोल प्ले करिए। और दूसरे वाले सी से करेजियस बनिए और दूसरों को भी साहस दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पूरे जीवन का, आपके पूरे लाइफ का, आपकी पर्सनालिटी का जो है पूरा विकास होगा। तो एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उनकी तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है, जो नहीं भी एनसीसी के कैडेट्स रहे हैं वो इन सब चीजों को अपने जीवन में अपनाए। एनसीसी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोगों में ईमानदारी, अनुशासन, दृढ़ता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, देशभक्ति एवं सहयोग की भावना को बढ़ाया जाता है, जो कि महिला सशक्तिकरण में भी बहुत ही मददगार है। तो एनसीसी का बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है सोशल वर्क में, नेशन के बिल्डिंग में। बहुत सारे सोशल वर्क एनसीसी के कैडेट्स करते रहते हैं, बच्चों से कराया जाता है, जिससे कि वो काफी सीखते हैं और जहाँ वो जाते हैं वहां भी लोगों को काफी सिखाते हैं। जैसे कि सोशल वर्क में वो लोग पढ़ाई का क्या महत्व है वो समझाते हैं, सफाई कैसे रखनी चाहिए, रिमोट एरियाज में जाकर के ये सब करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब सारी चीजें जो है वो सोशल वर्क के तहत वो लोग करते हैं। बच्चों को हिम्मती बनाया जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज एनसीसी में कराई जाती हैं, जैसे कि कैंप ट्रेनिंग कराई जाती है, शूटिंग कराया जाता है, कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज भी कराई जाती हैं। फ्लड है या अर्थक्वेक है, इस तरीके के डिजास्टर्स हैं उसमें किस तरीके से एनसीसी के कैडेट्स का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि कैसे डिजास्टर्स को मैनेज किया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट में। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटी उनमें डेवलप कराने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है, उनका ओवरऑल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। डिफेंस सर्विसेज में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो ओवरऑल एनसीसी द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं का एक संपूर्ण विकास होगा और वो हार्ड वर्क करके अपने हायर गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे। तो इन्हीं सब विषयों पर प्रकाश डालने के लिए आज कैप्टन राजश्री पांडे जी हम लोगों के बीच डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हमारे बीच उपस्थित हैं। हमें विश्वास है कि हम सभी उनके व्याख्यान से बहुत ही लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम के बारे में अच्छे से बताने के लिए, एनसीसी को नए दृष्टिकोण से देखने का जो तरीका है वो दृष्टिकोण बदलने के लिए धन्यवाद आपको। जैसा कि हमारा कार्यक्रम जैसे होता है, पहले ही एक नियम है कि अभिभावकों और छात्रों द्वारा छात्र सुरक्षा के लिए शपथ भी लाई जाएगी, उसके लिए मैं पुनः अपने कोऑर्डिनेटर मैम को आमंत्रित करती हूँ, मैम आप आए और अभिभावकों और छात्रों को शपथ दिलाएं। इंजीनियर मनीषा सब लोग को अनम्यूट कर दीजिए अपनी तरफ से। जी
सभी पार्टिसिपेंट्स को कमांड दिया जा रहा है, वो लोग अपना अनम्यूट कर सकते हैं, खुद भी अनम्यूट कर लें। इंजीनियर मनीषा आप भी अनम्यूट कर दीजिए। तो सर्वप्रथम बालिका सुरक्षा शपथ जो है वो हम सभी अभिभावकों के लिए अभी उसको करेंगे। तो अभिभावकों द्वारा बालिका सुरक्षा शपथ लिया जाना है, तो सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वो बालिका सुरक्षा शपथ लें। तो पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग साथ में उसको रिपीट करिएगा। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने बेटे और बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों को बचपन से ही बाबू कुलदेव वो हमारे पास लाएंगे, जीवन के नैतिक मूल्य सिखाऊंगी और उन्हें सही और गलत का भेद बताऊंगी जिस प्रकार मैं अपनी बेटी को स्वयं की सुरक्षा के लिए ध्यान रखने को कहती हूँ उसी प्रकार अपने बेटे को अनुशासन में रखते हुए उसकी भी दैनिक गतिविधियों का पूरा ध्यान रखूंगी। जय हिंद जय भारत। इसके बाद बालिका सुरक्षा शपथ लिया जाना है, जो कि सभी छात्रों द्वारा बालिका सुरक्षा शपथ लिया जाएगा। सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि कृपया वो बालिका सुरक्षा शपथ लें। पहले शपथ के एक सेंटेंस हम बोलेंगे, उसके बाद सभी छात्र, आप लोग जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, इस शपथ को रिपीट करिएगा सेंटेंस को। बालिका सुरक्षा शपथ शुरू करते हैं। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं शपथ लेता हूँ कि सदैव बालिकाओं व महिलाओं का सम्मान करूंगा और उनके अधिकारों की सुरक्षा करूंगा मैं प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों एवं मर्यादा का हनन नहीं होने दूंगा एवं मर्यादा का हनन नहीं मैं शपथ लेता हूं कि मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को मैं बालिका एवं महिलाओं को उनके विकास के लिए अपना पूरा योगदान। जय हिंद जय भारत
जय हिंद जय भारत। थैंक यू मैम। अब जो कि आज का हमारा विषय है एनसीसी साइलेंट कंट्रीब्यूशन टू वुमेन एम्पावरमेंट, जिसकी हमारी मुख्य वक्ता है डॉक्टर राजश्री पांडे मैम, जो हमारी आ चुकी हैं और आप जिस वर्दी में हैं स्वयं एक शक्ति का परिचायक दिख रही हैं और वाकई आप हैं, इसमें कोई बात कहने की नहीं। उसमें हमारी मैम डॉक्टर राजश्री हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ से हैं, आपकी बीएससी बरेली कॉलेज, एमएससी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमटेक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी में है, और आपकी पीएचडी भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में। मैम की चार बुक पब्लिश हो चुकी हैं, प्रेजेंटेशन और आपका इंटरनेशनल जर्नल 55 है, और आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 10 है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 26 है। तो आप मैम आज हम लोग का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में, तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी मैम, प्लीज आप आए और अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि अभी बताइए कि प्रदेश सरकार का जो मिशन शक्ति है जो कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की बात करता है, इसको जो डॉक्टर आर्यमल अग्रवाल बहुत अच्छे से कर रहा है इस कार्यक्रम को। तो इसके पहले तो डॉक्टर आर्यमल अग्रवाल यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस प्रोफेसर रविशंकर को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं, और उनका साथ देने के लिए रजिस्ट्रार सर श्री उमानाथ सर का भी को भी साधुवाद कहूंगी कि जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही कलेक्टिव मोड में किए जाते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और कोई भी कार्यक्रम जो कि छात्रों से के लिए और छात्रों के द्वारा किए जाते हैं उसके लिए मैं छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर नीलम पाठक मैडम को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से करने के लिए। वुमेन ग्रीवेंस एंड वेलफेयर सेल के जो मेंबर्स हैं, तो सबसे पहले प्रोफेसर तुहिना वर्मा मैडम जो कि सेल की कोऑर्डिनेटर हैं, उनको मैं बधाई देना चाहती हूं। उसके बाद डॉक्टर सिंधु सिंह मैडम है को कोऑर्डिनेटर इस सेल की। इसके बाद जो मेंबर्स हैं डॉक्टर महिमा चौरसिया मैडम, डॉक्टर सरिता द्विवेदी मैडम और डॉक्टर मनीषा यादव मैडम, इन सभी को बहुत बहुत बधाई कि बहुत अच्छे से प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि जो पिछले महीने जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें भी मुझे बोलने का अवसर प्रदान हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको मेरी तरफ से। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं और चर्चा करने जा रहे हैं वो है एनसीसी की क्या भूमिका है, इसको क्यों हम साइलेंट कंट्रीब्यूटर कह रहे हैं वुमन एम्पावरमेंट में। अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में से ही हमारे पास एक मतलब एक कहावत या ये एक श्लोक या एक कथन था जो कहा जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो वैदिक काल में हमारे पास बहुत सारी ऐसी उदाहरण है जैसे कि अपाला, मैत्रेयी, गार्गी, ये ऐसी विदुषियां थी जिन्होंने ये बताया कि उस समय में यानी कि वैदिक काल में पुरुषों और महिलाओं में कोई भी अंतर नहीं किया जाता था, तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ के मतलब भाग लेती थी। लेकिन जैसे जैसे मध्यकालीन युग आया सबसे ज्यादा जो महिलाओं का पतन हुआ या उनकी स्थिति का पतन हुआ तो मध्यकालीन युग में हमें देखने को मिला, और आज हम यहाँ पर है जिसकी वजह से हमें एक जहाँ पे मतलब महिला को दुर्गा या देवी के रूप में पूजा जाता है या कोई भी शुभ कार्य करना है उनको बराबर बराबरी का दर्जा दिया जाता है, उसके बाद बावजूद भी आज हमें महिला सशक्तिकरण पर बात करनी पड़ रही है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना की तरह मैं देखूंगी। तो मैं अपनी स्लाइड शो करती हूँ।
मैं कैप्टन डॉक्टर राजश्री एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और असिस्टेंट प्रोफेसर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत करती हूँ। और मेरे जो व्याख्यान का टाइटल है वो है एनसीसी साइलेंट कंट्रीब्यूटर टू वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। तो वुमेन एम्पावरमेंट दो शब्दों से मिलके बना है, वुमेन और एम्पावरमेंट। और जो वुमेन एम्पावरमेंट का सही शब्द या सही शाब्दिक अर्थों में अगर इसको लिया जाए तो मेरी तरफ से यही है कि जीवन के किसी भी परिस्थिति में या किसी भी रूप में जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको निर्णय लेने की आजादी दी जाए तो उसको हम वुमेन एम्पावरमेंट कहेंगे। यानी कि महिलाओं को अपने निर्णय और निर्णय इस तरीके से कि वो परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक सही दिशा प्रदान करे, इस तरीके से निर्णय लेने को ही वुमेन एम्पावरमेंट कहा जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि जब हम एक समाज की परिकल्पना करते हैं और स्त्री और पुरुष को अलग अलग रूप में नहीं देखा जा सकता है, उन लोगों का एक सम्मिलित रूप ही एक समाज के या राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकता है। तो ये तो हर इंसान का, इंसान मतलब किसी चाहे तबके का हो या किसी रिलीजन का हो, हर इंसान की जो भूमिका है वो निर्णायक भूमिका हो सकती है समाज के या राष्ट्र के निर्माण में। लेकिन जब भी हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो ये मैं एक मिसकंसेप्शन ही कहूंगी कि हमेशा एम्पावरमेंट को वुमन के साथ जोड़ करके देखा जाता है। जबकि जैसा कि मैंने अभी आपका आपको बताया कि जो भी एक मतलब हर इंसान चाहे वो पुरुष हो या महिला हो एक कंपोनेंट की तरह है समाज में और वो समाज के निर्माण में सहायक भूमिका निर्वाह कर सकता है। तो इसका मतलब दोनों के एम्पावरमेंट की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर जब परिस्थितियां हम या सामाजिक स्थिति की तरफ देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि पुरुष से ज्यादा वुमेन को एम्पावरमेंट करने की जरूरत है। इसी वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग लेकर के कहते हैं। तो जो आज के हमारे व्याख्यान का जो उद्देश्य है वो ये है कि एनसीसी के थ्रू हम वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से करते हैं या कर रहे हैं, इसके बारे में मासेस को अवगत कराना या परिचित कराना। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो फाइव पार्ट्स या फाइव मतलब पांच भाग में विभाजित है। तो सबसे पहले हम ये लेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट की क्यों जरूरत है। दूसरे भाग में हम ये लेंगे कि ऐसी कौन सी चुनौतियां या कौन से मतलब रुकावटें हैं जिसके वजह से वुमेन एम्पावरमेंट करना उतना सहायक नहीं हो पा रहा है। फिर तीसरे भाग में हम ये लेंगे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सकता है। और फिर फोर्थ भाग में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से महिलाएं या महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो एनसीसी के थ्रू किया जा रहा है। और लास्ट में हम कंक्लूजन लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत क्यों होती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए भी देखी जा सकती है कि बहुत सारा जब पुरुष और महिलाओं के कंपैरिजन की बात करते हैं और जब हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा तबका है जो जिनके पास रोजगार ही नहीं है। और आपको पता ही है कि जो ज्यादा रूप से आर्थिक रूप से समक्ष होता है उसकी बात परिवार में चाहे बात करें या समाज में की बात करते हैं उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है या उनके निर्णयों का सम्मान किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि महिलाओं का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो बहुत छोटे छोटे रोजगार में इस तरीके के रोजगारों में जुड़ा हुआ है जिसकी कोई मतलब दिखाई ही नहीं देता है समाज को। तो इसलिए बहुत ज्यादा तबका हमारा अनएम्प्लॉयड है या हम कह सकते हैं अंडर एम्प्लॉयड है पुरुषों की अपेक्षा। इसलिए उनको एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से दिया जाए इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत हम देखते हैं। फिर जैसा कि मैंने एक बताया कि स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों के दोनों क्या कहते हैं एक धुरी की तरह होते हैं। और जब हम एक सृष्टि की संरचना की बात करते हैं या समाज के निर्माण की बात करते हैं तो हम किसी भी एक कंपोनेंट को अनुपस्थित नहीं कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट में महिलाओं की भूमिका भी उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके की पुरुषों की है। तो इसके लिए भी हमें वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है। इकोनॉमिक बेनिफिट की बात हम लोग यहाँ पे इसलिए करेंगे क्योंकि आप ये देखिए कि
जो परिवार होते हैं उसमें 5, 6 लोग, 7 लोग रहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि सिर्फ एक ही इंसान, क्योंकि हमने जो पुरुष है उन्हीं को समझा हुआ है कि वो रोजगार के लिए बाहर जाएंगे, वही रोजगार से जो भी मतलब कमा नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर आप ये देखिए अगर परिवार में 2 लोग कमाने वाले होंगे तो कम जो परिवार रहेगा वो ज्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा, उसका जो मतलब आगे बढ़ने के सोचने का तरीका है वो ज्यादा रहेगा, एजुकेशन वो लोग तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो आर्थिक रूप से निर्भरता की तरफ लेके जाती है, तो महिलाएं क्योंकि इससे पीछे हैं इसलिए भी हमें वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है। फिर आप ये देखिए कि महिलाएं जागरूक नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे चाहे वो परिवार की बात कर लें या समाज की बात कर लें या उनका जो जहाँ पे वो वर्क स्थल है अगर उसकी बात कर लें, सब जगह क्या होता है कि उनको वायलेंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं होती, उनको ये पता ही नहीं होता कि जो बिहेवियर या हो रहा है वो मिस बिहेवियर है उनके लिए, वो एक नॉर्मल जिंदगी की तरह इस चीज को लेती है कि नहीं हाँ महिलाएं और हमारे साथ ये हो सकता है, तो ये अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर रिड्यूस पॉवर्टी, आपने देखा है जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जो पुरुष ही क्योंकि परिवार की देखभाल करने के लिए फाइनेंशियल रूप से सशक्त माना जाता है और वो करता ही है, लेकिन जब एक गरीब तबके का अगर हम बात करते हैं वहां पे पुरुष ही सिर्फ काम करेगा और घर में सिर्फ मतलब महिलाएं बच्चों की जो संख्या है वो ज्यादा रहेगी, तो पूरे परिवार के लिए तो खाने के लिए भी मेरे ख्याल से पूरा नहीं हो पाएगा, तो फिर वहां पे महिलाएं बहुत एक अहम रोल निभा सकती हैं। फिर नेशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट में राष्ट्रीय निर्माण में हर जगह जैसे अगर राष्ट्रीय निर्माण की अगर हम बात करें तो हर चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, चाहे आप जीडीपी की बात करें, चाहे आप क्या कहते हैं फाइनेंस की बात करते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं सामाजिक तौर पे देख ले या एडुकेशन की बात करते हैं, सब चीज का मिला जुला रूप जो है या कलेक्टिवली हम राष्ट्र निर्माण की तरफ देख सकते हैं, तो इसलिए उनको इस चीज के लिए अवेयर कराना, उनको जागरूक कराना, उनको नई नई किस तरीके से वो अपने को समाज का हिस्सा समझे ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, आईटी सेक्टर में आप देखेंगे तो महिलाओं का ज्यादा ही वर्चस्व है पुरुषों से, इसी तरीके से दूसरी अगर इंडस्ट्रीज की बात करें वहां पे वर्क फोर्स ही नहीं है, और वर्क फोर्स है भी तो वो क्वालिटी वर्कफोर्स नहीं है, तो हम एडुकेशन के थ्रू महिलाओं को इसमें जोड़ करके एक बहुत बड़ी भागीदारी निभा सकते हैं। दूसरा आपने देखा होगा कि जब हम परिवार की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा महिलाएं ही होती हैं जो अपने स्वास्थ्य की तरफ उनको नेग्लेक्ट करती हैं अपने आप को, वो दूसरों का ध्यान रखेंगी, अपना टाइम से खाने पर भी ध्यान नहीं देंगी, तो ये उनको जागरूक करना कि अगर आप अपने क्योंकि आप जब परिवार की बात आती है और जब एक देखभाल की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो मतलब भूमिका होती है वो महिलाओं की ही होती है, और इस भूमिका में महिलाएं तभी मतलब पूरी हो पाएंगी जब वो अपना ध्यान रखेंगी, तो उनको अवेयर कराना कि नहीं आप अपना ध्यान रखिए, अपने ध्यान से आप परिवार का ध्यान रख सकती हैं और जो आपके बच्चे हैं फिर वो समाज और राष्ट्र निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपको पता ही है जिन जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं बहुत कम हैं पुरुषों से, या उनको समान व्यवहार नहीं दिया जा रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें अवेयरनेस से ही हो पाएगी, तो ये सारे के जो पॉइंट्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में। फिर हम बात करते हैं कि कुछ जो हर्डल्स हैं या रुकावट हैं महिलाओं के सशक्तिकरण में, तो सबसे पहली जो बात है वो है पैट्रियार्कल माइंडसेट, यानी कि जो हमारा भारतीय समाज है वो हर चीज में या पुरुषों को ऊपर देखना चाहता है, यहाँ तक कि ऐसा माइंडसेट हो गया कि कुछ परिवारों में आप देखेंगे कि महिलाएं खुद ही मतलब
अगर एडुकेशन की बात अगर हम इसमें लें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि वो क्या करेंगे कि लड़की को तो घर में रखेंगे और क्या करेंगे बच्चे को जो बेटा है उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज देंगे। वो ये कहते हैं कि नहीं ये आगे बढ़ करके क्योंकि आर्थिक रूप से परिवार को सहायता करेगा इसलिए इसकी पढ़ने की जरूरत है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी बात निर्णय लेने की अगर हम बात करें तो पुरुष चाहे मतलब महिला सही भी बात अपनी रखती है तब भी उसको डिनाई करने की कोशिश करेंगे, वो जरूर उसका तोड़ निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं महिला है तो इनकी जो बात है वो गलत ही होगी। और आपने देखा होगा कि जब कार मतलब चला रहे होते हैं देखते हैं और कुछ चाहे पुरुष ही ड्राइव कर रहा है लेकिन अगर कुछ भी गलत तरीके से थोड़ा डिसबैलेंस हो गया तो मन में तुरंत आ जाता है कि नहीं ये जरूर महिला ही ड्राइव कर रही होगी। और इस तरीके से जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ये बहुत बड़ी रुकावट है महिला के सशक्तिकरण की। फिर डिस्पैरिटी इन एडुकेशन की बात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि नहीं पुरुष ही कमा करके लाएगा और आर्थिक रूप से सहायता करेगा परिवार की तो उसको एडुकेशन में आगे बढ़ने की ज्यादा जरूरत है इन कंपैरिजन टू गर्ल। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, आजकल आपने देखा ही होगा कि मतलब स्पेस तक महिलाएं जा चुकी हैं, साइंस में भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। मंगलयान में जब मंगलयान मिशन चल रहा था तो आपने सुना ही होगा कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका उसमें थी और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो उन्होंने अपने कार्य कुशलता से ये दिखा दिया है कि नहीं वो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकती हैं। यहाँ पे आगे या पीछे किसी को करने की बात नहीं है, ना हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को आगे करने की वजह से हमें पुरुषों को पीछे करना है, क्योंकि हम एक स्वस्थ समाज के निर्माण की कल्पना कर रहे हैं तो वहां पे दोनों को समान भागीदारी देने की जरूरत है। तो अब नेक्स्ट आता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अगर महिला सही भी बात कर रही है तो परिवार में आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा मतलब उनको पीछे करने की कोशिश की जाती है। अगर महिला ज्यादा कहती है कि नहीं मैं ये काम करना ही चाहती हूँ क्योंकि वो परिवार के लिए एक अहम भूमिका निभा सकती है तो आप ये देखिए कि जो पुरुष है वो उस पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं उठता है। और वायलेंस सिर्फ ये नहीं है कि आपने हाथ उठाया तभी, आपने जो डांटा फटकारा वो सब वायलेंस की कैटेगरी में आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है क्योंकि जब वायलेंस होता है तो एक तरीके से मानसिक रूप से टूट जाती है महिला या लड़की और फिर वो अपनी बात रखने के लिए हिचकिचाती है। फिर आपने देखा होगा नेक्स्ट हरासमेंट की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा हरासमेंट जो होता है वो वर्क प्लेस पे देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा महिलाओं का एक्सपोजर होता है और पुरुष और महिला जब साथ में वहां काम करते हैं और जब महिला आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो पुरुष ये सोचता है कि नहीं, सारे पुरुषों की बात मैं यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे भी होते हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये स्थिति जो है वो पुअर सेक्शंस में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो इसको ऐसे नॉर्मल बिहेवियर की तरह लेती है कि हाँ ऐसा उनके साथ हो सकता है क्योंकि वो महिला है। तो इन सब में एडुकेशन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। फिर इन एडुकेट न्यूट्रिशन की बात हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि आपने देखा अगर एक स्वस्थ समाज की अभी हम की बात कर रहे हैं कि हम स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं तो इसमें हर चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो दोनों का मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्वस्थ रहने की हम इसलिए वकालत यहाँ पे करना चाहते हैं क्योंकि जब शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तो दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा बनता है और जब हमारा ये बैलेंस बनता है तो इससे क्या होता है कि सब तरफ सही निर्णय की तरफ अग्रसर होता है इंसान। तो इसमें जब आप स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि परिवार में जैसे दूध की ही बात करते हैं कि क्या रहता है कि क्योंकि सोचते हैं कि पुरुष पढ़ने जा रहा है या बच्चा जो है वो पढ़ने जा रहा है इसको दो ग्लास एक्स्ट्रा दूध पिलाने की जरूरत है,
वहीं पर क्या है कि वहीं पे लड़की है उसको कहेंगे कि नहीं ये तो मतलब कुछ भी ना, तो पढ़ने के लिए इसको भेजा जा रहा है ना, ये आगे चल के आर्थिक रूप से कोई सहायता करने वाली है परिवार की, तो कम न्यूट्रिशन दे करके भी काम चल सकता है। इसी तरीके से यही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कहलाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या है कि मेल जेंडर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, फीमेल जेंडर को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी के सारी जो रुकावटें हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ी बाधक हैं। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम वुमेन का एम्पावरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में खड़े होना, दैट मीन्स क्या हो गया कि एक ऐसा लीगल सिस्टम देना, और उस लीगल सिस्टम को दे देना नहीं, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं इसके बारे में भी बताना। और ये तभी हो पाएगा जब जो ये जरूरी नहीं है कि मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये पूरी कतई नहीं देखने की जरूरत है कि कहीं महिला जाकर के काम ही करे तभी वुमेन एम्पावरमेंट माना जाएगा, या क्या कहते हैं कुछ बिजनेस बहुत बड़ा कर रही है तभी वुमेन एम्पावरमेंट माना चाहिए। ये वुमेन एम्पावरमेंट का एक पार्ट जरूर माना जा सकता है, और वुमेन एम्पावरमेंट एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज एक दिन में आपने बता दिया कि नहीं आप निर्णय ले सकते हैं, आप आज एम्पावरमेंट हो गई, आपको पूरी आजादी हो गई है। तो अगर इस तरीके से अगर किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि महिलाएं गलत निर्णय भी ले सकती हैं। तो मैं ये कहूंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है एक सतत प्रोसेस है, और इस सतत प्रोसेस में हमें सारी की सारी चीजों को मिला जुला करके ही रखना पड़ेगा। तो उसमें जैसे लीगल सिस्टम की बात करी तो सारी महिलाओं को या पुरुषों को भी ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, जिससे वो अपना जो बिहेवियर है वो महिलाओं के प्रति सही रख सके। फिर आपने देखा होगा कि जैसे गांव की अगर हम बात करते हैं तो पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि हम छोटे छोटे प्लेटफॉर्म आसपास ही बना दिए जाएं, जिससे कि महिलाएं या बच्चे अपने जो उनके मतलब समस्या का जो निवारण है वो पास ही में हो पाए। क्योंकि जब भी अगर हम वर्क फोर्स की बात कर रहे हैं या उनको कुछ नई ट्रेनिंग देने की बात करते हैं तो सबसे जो मेन कंसर्न होता है वो महिला सिक्योरिटी का होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर प्लेटफॉर्म छोटे छोटे क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद ये बताना कि शिक्षा जो है वो एक एक्सेस सब लोग कर सकते हैं, चाहे वो मतलब छोटी बच्चियां हों या महिलाएं हों, अगर वो हायर एडुकेशन में जाना चाहती हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो मतलब एडुकेशन है उसमें किसी के लिए बाध्यता नहीं है, तो वो उस फील्ड में भी जा सकती हैं। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि डाउरी एक मतलब बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं बाधक है, दहेज प्रथा जिसको हम लोग कह सकते हैं, और ये बहुत ही कुरीति की तरह भारतीय समाज में है। तो इसके बारे में आप कम्युनिटी को अवेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक ही जगह प्रॉब्लम हो, अलग अलग कम्युनिटी में आप जाकर के जब एक प्रॉब्लम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बारे में पता चलता है कि उनके अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है। किसी के लिए शिक्षा बहुत दूर है, किसी के लिए स्वास्थ्य के लिए जो न्यूट्रिशन है वही नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें अवेयर करने की जरूरत है। फिर आपने देखा ही होगा कि जैसे जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो बहुत सारे जो रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं वो हमेशा कहाँ से आते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। तो महिलाओं के पक्ष में कौन बोलेगा? आपने देखा होगा कि पुरुष तो बोलता ही बोलता है, लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि महिलाएं भी उस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में अपने आप को स्थापित करें, और उसके बाद क्या होगा कि वो अपनी बात अच्छे से बता सकती हैं, जो उन्होंने फेस किया है अपने जीवन में वो बता सकती हैं।
तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपके पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है जहाँ पे लीडरशिप चल रही है वहां पर महिलाओं का योगदान बहुत ही जरूरी है। फिर जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि जो हमारे वायलेंसेस हो रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि या तो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं या लॉज हैं वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। तो इनको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छे से कराना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर्स खोल सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने का ये होगा कि जो महिलाएं वो लघु उद्योग अपना या कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं, जिससे वो आर्थिक रूप से अपने परिवार की मदद कर सकती हैं। फिर ऐसे मतलब एरिया खोले जा सकते हैं जैसे कि एडुकेशन सिस्टम ही है जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो उनके लिए रहती है। इसी तरीके से हम जो सेंटर्स हैं वो खोल सकते हैं, छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर्स। हम इस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर्स खोल सकते हैं जैसे कि सपोज हमें ये देखते हैं कि यहाँ पे इस सोसाइटी में लोगों को आईटी से बहुत ज्यादा ही लगाव है या वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं आईटी एप्लीकेशंस की तरफ, तो उनको कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग दे करके उनको सक्षम बनाया जा सकता है। और जो भी ऑड्स होते हैं, चाहे अभी हम दहेज प्रथा की बात करते हैं ठीक है, या कहीं पे जेंडर इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारी जो अगेंस्ट वाइसेस हमें कंपेनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ वेज थे जिसके थ्रू हम वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं। अब हम एनसीसी पर आते हैं, तो एनसीसी में वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साइलेंट कंट्रीब्यूटर हमने इसलिए कहा क्योंकि जहाँ भी एनसीसी चलती है वहाँ कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाती है उनको, उनका जो ट्रेनिंग का फ्रेमवर्क या दिया जाता है वो बिल्कुल इस तरीके से दिया जाता है कि उनको खुद को नहीं पता चलता है कि कौन कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है और किस तरीके से डिसीजन लेना है, इसकी जो क्षमता क्रिएट करना है वो एनसीसी करती है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जैसे कि अगर मैं अपनी बटालियन की बात करूं तो हर बटालियन में जो एडम ऑफिसर है वो वुमेन ही रहेगी या महिला ही रहेगी। इससे क्या होता है कि अगर सिर्फ पुरुष रहेंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि महिलाएं या जो लड़कियां हैं वो अपनी बात रखने में झिझकती हैं, तो वो एक ब्रिज की तरह काम करती हैं। और दूसरा जैसे एएनओ की बात करें तो दो तीन लोग जो रहते हैं वो सिर्फ फीमेल ही हो सकती हैं। एक तो एएनओ अगर गर्ल्स बटालियन देख रही हैं या गर्ल्स की कोई यूनिट देख रही हैं तो वो महिलाएं रहेंगी जो एडम ऑफिसर के फॉर्म में रहेगा। जब स्कूल या यूनिवर्सिटी की बात करते हैं वहां पे भी जो एएनओ रहेगी वो फीमेल रहेगी। इसी तरीके से जो उनको मतलब इंस्ट्रक्ट करने आती है तो एक गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर होते हैं जो सिर्फ एनसीसी में होते हैं, और एनसीसी में भी जो गर्ल बटालियंस होती हैं उसमें होते हैं, बॉयज बटालियन में नहीं होते हैं। वहाँ पीआई स्टाफ्स होते हैं सिखाने के लिए, लेकिन गर्ल्स के लिए एक स्पेशल गर्ल्स इंस्ट्रक्टर्स रखी जाती हैं जिससे कि कहीं ऐसा हो, कई बार ऐसा होता है कि एडम ऑफिसर क्लास में नहीं पहुँच पाती हैं या फिर एएनओ नहीं पहुँच पा रही है, तो वहाँ पर गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर उनको देखेंगी ठीक है। तो जो एनसीसी की अगर हम बात करते हैं तो जो एनसीसी पास हुई थी वो 8 अप्रैल 1948 में हुई थी जो कि बॉयज के लिए शुरू की गई थी, लेकिन एक साल बाद ही उनको समझ में आया कि नहीं, जब हम राष्ट्र निर्माण जब की बात कर रहे हैं ठीक है, राष्ट्र निर्माण में भूमिका की बात कर रहे हैं तो हम लड़कियों को या महिलाओं को पीछे नहीं रख सकते। तो एक साल बाद ही फर्स्ट गर्ल विंग क्रिएट की गई 1948 में। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री नेहरू वो इनका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। फिर जो एनसीसी का मोटो होता है यूनिटी और डिसिप्लिन, यानी कि जो भी आप काम करते हैं वो डिसिप्लिन में करना है और एक साथ भागीदारी के साथ करना है। इसका जो एम होता है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज को हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जो भी एक्टिविटीज कराई जाती हैं वो इस चीज को जरूर ध्यान में रखी जाती है कि सर हमारा जो देश है वो सर्वोपरि है और हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो कि हमारे देश निर्माण में बाधक बने।
तो इसलिए हम उनको करेजियस बनाने की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, किस तरीके से दूसरों के साथ मिलजुल करके काम करना है, लीडरशिप क्वालिटीज को आगे लाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से उनका जो आउटलुक है वो सेक्युलर हो, ये सारे के सारे एम इसलिए रखे जाते हैं जिससे कि हमें एक ट्रेंड और मोटिवेटेड रिसोर्स मिल पाए, एक ह्यूमन रिसोर्स जो हम क्रिएट करते हैं वो मोटिवेटेड और ट्रेंड हो, तभी हमारा जो समाज होगा वो स्वस्थ समाज के तरफ निर्माण हो पाएगा। फिर अगर हम एनसीसी के फ्लैग की बात करते हैं तो जो रेड होता है वो आर्मी को डिनोट करता है, नेवी ब्लू नेवी को, स्काई ब्लू एयरफोर्स को करता है। कोर वैल्यूज की बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो भी हम काम करते हैं वो देश के लिए कमिट होकर के करते हैं, ये भावना इसलिए भी हम उजागर करना चाहते हैं या एनसीसी उजागर करना चाहती है, क्योंकि जब देशभक्ति की भावना रहेगी तो आप हमेशा पॉजिटिव वे में ही काम करते हैं, और जब आप पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो एक अच्छी तरीके से समाज का निर्माण हो पाएगा और आप अपने परिवार को भी अच्छी तरीके से देख पाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में अगर हम धर्म की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, कल्चर की बात करें तो डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग किस तरीके से प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं वो एनसीसी दिखाती है। फिर जो भी एक्टिविटीज एनसीसी में कराई जाती है वो इस चीज को ध्यान में रखी जाती है, क्योंकि ध्यान में रख के की जाती है कि हम कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन या जो लीगल सिस्टम है उसका वायलेशन ना करें, हम जो कुछ भी काम करते हैं उसको ध्यान में रख करके करते हैं। फिर जो अथॉरिटीज होती है वो इम्पार्शियल उनका बिहेवियर रहता है, और वो इसलिए और रहता है क्योंकि जिससे चाहे वो गर्ल कैडेट हो चाहे बॉय कैडेट हो, वो ये बचपन से ही अपने अंदर हैबिट में डालते हुए चले, जिससे आगे जब वो मतलब समाज से जुड़ते हैं, राष्ट्र से जुड़ते हैं, तो उनकी जो विचारधारा है वो उसके साथ में रहे। फिर हम बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज प्रोग्राम कराते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसके लिए हम लोग ड्रिल कराते हैं और छोटी छोटी चीजों की ध्यान रखते हैं। जैसे जब ड्रिल कराई जाती है तो सारे कैडेट्स को ये कंपलसरी होता है कि वो पानी की बॉटल लेकर के आएंगे, उनको पहले से इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कोई भी एक्टिविटी की कराई जाती है कि वो खाना खा करके आएंगे, खाली पेट नहीं आ सकते, और जो परेड हमारे यहाँ कराई जाती है उसके बाद उनको रिफ्रेशमेंट भी दिया जाता है। फिर उनको ये मतलब गांव के साथ जोड़ा जाता है कैडेट्स को, उनको वहां लेकर के जाया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में खुद बच्चे कलेक्ट करते हैं कि इस गांव में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये कराने का मकसद एनसीसी का सिर्फ ये रहता है कि वो हर तरीके के, क्योंकि समाज जो है वो मिला जुला रूप है, आप अर्बन और रूरल को अलग अलग रूप तरह से नहीं देख सकते, आप किस तरीके से एनसीसी जो है वो एक तरीके से ब्रिज की तरह काम करती है, और जो अर्बन एरियाज की जो फैसिलिटी है उसको किस तरीके से हम गांव में या रूरल बैकग्राउंड में ले पहुंचा सकते हैं वो एनसीसी सिखाती है। इस तरीके से कुछ जो मॉरल वैल्यूज हैं उसकी बात एनसीसी करती है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ट्रूथफुलनेस हो गया, सेल्फ सेक्रीफाइस हो गया, ठीक है, हार्डवर्क हो गया, ये सारी की सारी चीजों पे एनसीसी बहुत ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि जो कैडेट्स होते हैं वो आप ये समझिए कि दो विंग्स होती हैं, जूनियर विंग और सीनियर विंग, तो 14 साल से लेकर के 25 साल तक का जो एक मतलब एज इंटरवेल होता है, इनके बीच में हम कैडेट्स को लेते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ये जो मतलब एनसीसी ये समझती है कि ये जो एज है वही सीखने में अपने जो विचारधारा या माइंडसेट है उसको बनाने के लिए कारगर होती है। तो ये सारी की सारी चीज एनसीसी में होती है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एनसीसी में एक्टिविटीज होती हैं वो दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, एक तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है और कैंप ट्रेनिंग होती है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। इन ये दोनों जो होती हैं वो मैंडेटरी कंडीशंस होती हैं, ये सब बच्चों को करना ही करना है,
पूरे एनसीसी के पीरियड में मिनिमम 2 कैंप करने ही करने हैं, ये मैंडेटरी है। बाकी जो हर साल का एक कैरिकुलम है, और कैरिकुलम भी इस तरीके से किया गया है कि उसमें सारी चीजें, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का की बात की गई है, फिर उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट की बात उसमें की गई है, फिर उसमें कौन कौन से, अभी जैसे सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं तो उसके कैरिकुलम में है कि कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से पनिशमेंट हो सकते हैं, किस तरीके का बिहेवियर रखा जाना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें कैरिकुलम में बताई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जब एनसीसी करने के बाद समाज के साथ जुड़ता है तो उसको पता रहता है कि क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है, तो वो सही और गलत के लिए टोक सकता है किसी को और अपनी बात रख सकता है। फिर कैंप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में नहीं की जा सकती, जैसे कि फायरिंग की बात है, तो फायरिंग क्या है वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में नहीं की जाती है, क्योंकि एक पूरा सेटअप चाहिए उसके लिए, पूरे ऑफिसर्स चाहिए वहां पे, लेडी ऑफिसर्स चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो कैंप जब ट्रेनिंग कराई जाती है उस टाइम उपलब्ध रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज है, जैसे आपने देखा ही होगा कि आरडीसी में राजपथ पे कंटिंजेंट जाता है एनसीसी का, उसमें बॉयज का अलग कंटिंजेंट होता है, लड़कियों का अलग रहता है। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर्स रैली होती है उसके बाद में, जिसमें सारे जो कैडेट्स होते हैं, गर्ल कैडेट को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है। फिर कुछ अटैचमेंट ट्रेनिंग्स होते हैं जिसमें मेडिकल की ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराई जाती है, और किस तरीके से आर्मी ऑफिसर्स अपनी जिंदगी जी रहे हैं उनके साथ में उनका इंटरेक्शन कराया जाता है, जिससे कि उनको पता चलता है कि आर्मी, क्योंकि एनसीसी के बाद आर्मी ऑफिसर्स बनने के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो फैमिलियर हो जाते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन से। फिर कुछ सोशल एक्टिविटीज और कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज कराई जाती हैं। एक बहुत अच्छा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कराया जाता है, जिसमें कि कुछ एनसीसी के कैडेट्स को बाहर विदेश में भेजा जाता है। जैसे इसके मतलब ग्रुप हैं जिनके साथ एमओयू है, तो उसमें भूटान है, रशिया है, ठीक है, श्रीलंका है, तो यहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है एनसीसी के, तो और ज्यादा उनको एक्सपोजर मिलता है और वो बिल्कुल करेजियस होकर के बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। फिर एडवेंचर बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि माउंटेनिंग होगा, ट्रेनिंग ट्रैकिंग के कैंप्स हो गए, ये सारे के सारे किए जाते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स के भी ध्यान दिया जाता है बहुत सारे। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से एनसीसी से बच्चे स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा किया उन्होंने। फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो सारी की सारी एक मतलब एक लाइफ को जीने के लिए और अच्छी तरह जीने की जितनी जरूरतें होती है वो सारी एनसीसी में होती है। जैसे एनसीसी का जो जनरल बैकग्राउंड होता है, क्या मतलब स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये सारी एनसीसी जनरल में बताया जाता है। फिर नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस का एक मतलब कैरिकुलम में पार्ट होता है, उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ तक कि इसका कैंप्स भी होता है जहाँ पे पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से लड़कियां आती हैं और एक साथ काम करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, तो बहुत अच्छा एक माहौल देखने को मिलता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत ज्यादा जोर रहता है, लीडरशिप क्वालिटीज पर, और डिजास्टर मैनेजमेंट, इसी तरीके से सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की सर्विसेज कराई जाती हैं, हेल्थ एंड हाइजीन का, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन प्लांटेशन के थ्रू कराया जाता है, जनरल अवेयरनेस पे भी पूरा ध्यान रहता है। वो इसलिए कराया जाता है कि जिससे कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत अगर की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो सारी की सारी जो भी पॉलिसीज, ये ट्रेनिंग तो चलती है, लेकिन ये सारी जो भी मतलब अभियान आते हैं वो सारे के सारे करने को मिलते हैं बच्चे को। फिर ये सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे का कैरिकुलम में रहता ही है, साथ में बच्चे जाकर के करते भी हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है इससे। और जैसा कि बताया ही गया था अभी की क्या कहते हैं, एडुकेशन बहुत बड़ा रोल वुमेन एम्पावरमेंट पे कर सकती है, तो एनसीसी में जो एंट्री है
वो जब आप क्या कहते हैं या तो 9th-10th में रहते हैं जूनियर लेवल पे तब आप कर सकते हैं, यानी कि एडुकेशन के साथ ही आप एनसीसी कर सकते हैं। एनसीसी के साथ जुड़ाव इस तरीके से नहीं हो सकता है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और फिर एनसीसी आपको मिल जाए तो ये नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से इसको जोड़ा ही गया एडुकेशन के साथ में। फिर जो कैंप ट्रेनिंग की बात करी, जैसे ड्रिल हो गया, एडवेंचर ट्रेनिंग हो गया, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग हो गया और वेपन्स ट्रेनिंग की बात करें, अगर हम एक बात करें, अगर हथियार रखने की बात करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उनकी परमिशन लेगी तभी आप हथियार यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा एनसीसी में आता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनके हाथ में हथियार दिया जाता है। तो हथियार किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से उनको मतलब फायरिंग करनी, ये सारी की सारी चीजें एक कराई जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा चीज है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर आप ये देखिए, वेपन्स ट्रेनिंग में लड़कियां टारगेट को निशाना साध रही हैं, और उधर आप देखेंगे तो देखिए ऑफिसर्स भी साथ में, बिल्कुल पूरा निगरानी में होता है ये, और एक एक इंस्ट्रक्शन बताया जाता है, उससे पहले कई बार प्रैक्टिस कराई जाती है तब उनके हाथ में दिया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हाथ में दे दिया और आप किसी भी तरीके से उस चीज को हैंडल कर रहे हैं। फिर ये ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग की है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक सही रूप से जीवन यापन करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें इसलिए कराई जाती है जिससे कि जो लड़कियां हैं उनके मन में करेज आए, वो मोटिवेट हो। तो ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग का ये है। इसके बाद ये देखिए कि आरडीसी में किस तरीके से लड़कियां एक मतलब एक साथ उनका कदम आगे बढ़ रहा है और एक ही साथ आगे बढ़ रही हैं, तो ये दर्शाता है कि कितनी इनकी ट्रेनिंग की जा चुकी है। और ये एक तरीके से, जब मैंने आपको बताया कि एक सतत प्रक्रिया है, तो ये यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचने में एक दिन में नहीं हो पाया। इसकी ट्रेनिंग आप ये समझिए कि अक्टूबर में शुरू हो जाती है और जनवरी में जाकर के ये फाइनल स्टेज पे पहुंचती हैं। फिर ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मौका लड़कियों को मिला हुआ है, और ये सभी लोगों को मिलता है जो कि आरडीसी में राजपथ पे चली हुई होती हैं। फिर ये देखिए, आर्मी अटैचमेंट कैंप की जो मैंने बात की थी कि इसमें लड़कियां जो मतलब आर्म्स एम्यूनिशन वगैरह है वो सारा छू करके देख सकती हैं, ठीक है। इससे उनको पता चलता है कि कौन कौन से लाइट वेटेड आर्म्स हैं जो आर्मी यूज कर रही है या आर्म्ड फोर्सेस यूज कर रहे हैं। ये देखिए, फिर एडवेंचर बेस्ड ट्रेनिंग देखिए, पैरा सीलिंग कराने के लिए। अभी आप कहीं भी ट्रिप का बना लेते हैं प्रोग्राम, तो बहुत सारे रूप है, मतलब 50,000 से 1,00,000 तो आप समझ लीजिए कि खर्च होने ही होने, और एनसीसी फ्री ऑफ कॉस्ट ये कराती है, और पूरी सुरक्षा के साथ में। आप ये समझ लीजिए, आज तक कोई भी मतलब बहुत कम ही इंसिडेंट्स देखने को मिला होगा जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आई हो या वायलेशन की बात आई। और जो डिसिप्लिन की बात की थी, डिसिप्लिन इतना मतलब परिपक्व होना चाहिए और इतना पर्टिकुलर इस चीज में रहते हैं कि अगर कभी भी ये बात आती है तो लोगों की जॉब तुरंत टर्मिनेशन तक इन लोगों का हो जाता है, तो कोई भी इस तरीके का काम नहीं होता है। उन लोगों की भी ट्रेनिंग इस तरीके से होती ही है कि किस तरीके से इन सब चीजों को उनको लेना है। फिर ये देखिए, एडवेंचर बेस्ड ट्रेनिंग ट्रेकिंग कैंप में बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। फिर ये भूटान का 2015 का है, तो आप ये देखिए, इसमें बॉयज और गर्ल्स सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये सारे के सारे बच्चे भूटान गए थे, वहां पे वहां के एनसीसी जो कैडेट थे उनके साथ मिले, किस तरीके से वहां एनसीसी की एक्टिविटीज होती हैं, तो ये सारा उनको देखने को मिला। फिर ये रशिया में ये बच्चे गए थे, तो सिर्फ ये नहीं है कि इसमें ड्रिल ही कराया जाता है या क्या कहते हैं सिर्फ आर्मी से रिलेटेड ही ट्रेनिंग कराई जाती है, ऐसा नहीं है। जब बच्चे जाते हैं तो कल्चरल वगैरह भी कराया जाता है, क्योंकि एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है जिसके तहत
जो गर्ल्स हैं वो ऑफिसर्स बन सकती हैं. तो तीनों ही जो फॉर्म होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एनसीसी के थ्रू गर्ल्स ऑफिसर बन सकती हैं. ये कुछ एक्टिविटीज जो हम लोग करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो बहुत ही गर्व और हर्ष का की बात है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए कि हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर संजय सिंह सर, उनको एनसीसी की तरफ से कर्नल कमांडेंट की रैंक मिली हुई है. तो जो एनसीसी की एक्टिविटीज होती हैं उसमें सर का बहुत बड़ा डायरेक्शन रहता है. और फिर हमारे यहाँ क्योंकि दो विंग है गर्ल्स की और बॉयज की, तो गर्ल्स की मैं देखती हूँ और बॉयज की जो है वो लेफ्टिनेंट डॉक्टर मनोज कुमार ददवाल सर देखते हैं. तो सब हम तीनों लोगों की देख रेख में ही सारी चीजें होती हैं एनसीसी की, जो भी एक्टिविटीज करानी रहती है. इसी तरीके से आप ये देखिए गांव में बच्चे जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करते हैं, चाहे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो, चाहे उनके एडुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, सबके बारे में बात की जाती है. यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम इकट्ठी कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. फिर ये देखिए कि जो हमारा एनसीसी है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम एनसीसी हैं तो एनसीसी डिपार्टमेंट ही सारी एक्टिविटीज कराएगा. जैसे कि हमारे यहाँ उन्नत भारत अभियान के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर नवीन अरोड़ा सर हैं, उनके साथ हम लोग मिलकर के काम करते हैं. फिर बेसिक फैसिलिटीज फॉर वुमेन की जो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं प्रोफेसर शिल्पी वर्मा मैडम, उनके साथ भी हम लोग मिलकर के काम करते हैं. तो एक मिला जुला रूप या उनको पूरी की पूरी सहयोग एनसीसी की तरफ से मिलती है. फिर ये देखिए वुमेन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी हम लोग जागरूक करने जाते हैं स्कूल में, और बच्चे मतलब प्ले भी करते हैं उनके सामने, खुद बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है एनसीसी के जो भी कैडेट्स रहते हैं. ये देखिए एक नुक्कड़ नाटक के तहत जो वहाँ के जेंट्री है उनको बताया जा रहा है. फिर हम स्पेशल हेल्थ कैंप करते हैं, हमारा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है तो एक मतलब पॉजिटिव चीज है हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए कि हमारे पास मेडिकल ऑफिसर रहता है. और मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ भी मेडिकल ऑफिसर्स रहते होंगे, तो हम अपने मेडिकल ऑफिसर्स के साथ ये जा करके गांव में जो भी महिलाएं उनके हेल्थ चेकअप करवाते हैं, हेल्थ कैंपेन हम लोग लगाते हैं. छोटी छोटी जो चीजें हैं जैसे बुखार हो गया और क्या कहते हैं डायरिया हो गया, किस तरीके से निपटा जाए, ये घर में घरेलू नुस्खे से ही ठीक किए जा सकती, जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में जरूर हम लोग अवेयर कराते हैं. फिर कुछ सक्सेसफुल आईपीएस बन गई, और उस टाइम सिर्फ एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ पुरुषों का ही समाज समझा जाता था और महिलाएं बिल्कुल ही बाहर निकलती नहीं थी, बहुत इक्का दुक्का निकलती थी. उसमें ये फिर दूसरा ये एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी कि सुषमा स्वराज मैडम
थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू फॉर सच अ इंफॉर्मेटिव टॉक. थैंक यू मैम, आपने वुमेन एम्पावरमेंट और एनसीसी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों को दी. आपने बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट जो महिलाओं को अपने निर्णय लेने का अधिकारी बनाता है, पुरुष और महिला दोनों का एम्पावरमेंट आवश्यक है और दोनों को समान अधिकार होना चाहिए, जिससे समाज जो समाज में